मॉर्निंग तो देखो असी लेक्चर टू सीरीज ते पहुंच गए हैं। ठीक है जी, ते पहले लेसन दे विच आपां सीरीज दी इंट्रोडक्शन कीती सी, और इंट्रोडक्शन च आपां ने की किया सीगा कि आपां एक पार्शियल सम डिफाइन करते हैं, ते पार्शियल सम दी कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस दे उत्ते ही साडी सीरीज या उहदी डिपेंड करती है। ते उत्थे आपां ने एक होर चीज कही सी कि सिर्फ अगर जीपी सीरीज है, जीपी सीरीज दे विच तां जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल सम टू इनफिनिटी सानूं पता हुंदा ए ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, जे एक बंदा सोचे ना, असी 11th क्लास विच जदों सम टू इनफिनिटी पढ़ते सीगे तां ए ओवर 1 माइनस आर उत्थे आर ते कंडीशन हुंदी सीगी कि आर मॉड लैस दैन 1। उत्थे बेशक सानूं ये नहीं पता सीगा भाई जिहड़ा हैगा है कि असी सीरीज कन्वर्जेंट की हुंदी है, डाइवर्जेंट हुंदी है। तो पिछले लैक्चर दे विच असी की कीता, बेसिकली असी एक पहले वाले क्वेश्चन च टेलीस्कोपिक सीरीज देखी सी कि टर्मां कट गईयां, ते एंड विच आपां पार्शियल सम देख लिया जी। ठीक है जी, फिर असी जिहड़ा सीगा एक टेस्ट कीता सीगा जिहदा मतलब असी जिहड़ा हैगा इनडायरेक्ट प्रूफ जिहड़ा आपां देखिया सीगा उहदे लई वर्ड जिहड़ा मैं तुहानूं यूज कीता सीगा तुहाडे कोल, भाई आपां जिहड़ा हैगा है पिछे जिहड़ा आ पहला पेज सीगा जी पिछली बार जिहड़ा हैगा तुसीं देखिया। ठीक है जी, कि सीक्वेंस इनफाइनाइट सीरीज कह रहे हैं तुहाडे पास। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा हैगा है आपां ने टेलीस्कोपिक सीरीज कर ली सीगी। ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा हैगा ये सारा कुछ पिछले लैक्चर च हैगा, जीपी दे रिजल्ट भी कर ले सीगे। उस तो बाद दे विच आपां ने इंपॉर्टेंट नैगेटिव नैगेटिव टेस्ट किया सीगा जिहड़ा। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट नेगेटिव टेस्ट ये सारा कुछ पिछले लैक्चर च हैगा। उहदे विच की सीगा कि अगर एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी ए एन नॉट इक्वल टू जीरो होवे तां सीरीज नैवर कन्वर्जेंट है। इस तो बाद असी नैवर कन्वर्जेंट दी डेफिनेशन भी कही सी कि नैवर कन्वर्जेंट तो डाइवर्जेंट तुसीं नहीं कहना हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो ये चीज़ का भी आपां ने ख्याल रखना है। और दूसरी चीज़ है, जे सानू क्वेश्चन च किया होवे तां असी ये टेस्ट यूज करना, नहीं तो असी ये टेस्ट नहीं यूज करना, क्योंकि असी कई बार गड़बड़ कर सकते हैं। सो जिहड़ा अज का लैक्चर हैगा तुहाडे कोल, अज का लैक्चर आपां जिथों स्टार्ट कर रहे हैं तुहाडे कोल, ठीक है, सो कापी ते लिखा होया, थोड़े पेज फरोलन च लग जाता तुहाडे कोल, बट अज तुहानू ज़्यादा वधिया ढंग नाल समझ आऊगा। ते अज का जिहड़ा टेस्ट है वह हैगा पी सीरीज टेस्ट। ठीक है जी, तो पी सीरीज का टेस्ट है, ते जे तुसी इस दा प्रूफ देखना होया, जिस दिन असी कॉची इंटैग्रल टेस्ट पढ़ांगे, कॉची इंटैग्रल टेस्ट विच इस पी सीरीज टेस्ट का जिहड़ा हैगा प्रूफ बड़े वधिया ढंग नाल हो जांदा। होर तरीके भी हैं बट सब तो सौखा तरीका की है। सो अगर समेशन 1 ओवर एन पी इज कन्वर्जेंट, ठीक है, ये कहिंदा कन्वर्जेंट कदों होएगी जदों तुहाडा पी ग्रेटर दैन 1 होएगा, तो डाइवर्जेंट कदों होएगी जदों पी लैस दैन इक्वल टू 1 होएगा। ठीक है जी, सो कंपैरिजन टेस्ट ना जिन्नियां प्रॉब्लमां सॉल्व होंदियां ने ना, वो सारियां दे विच पी सीरीज टेस्ट का बड़ा वधिया रोल हैगा है, ते आपां इस पी सीरीज टेस्ट नूं ध्यान नाल समझना है। और दूसरी चीज, हर बुक दे विच अपना अपना एक सीक्वेंस दिता होया कि किस सीक्वेंस तुसीं क्वेश्चन करने ने, बट जे तुसीं मेरा सीक्वेंस फॉलो करोगे ना तो क्वेश्चन बहुत वधिया ढंग नाल निकलणगे, ते तुहाडे कोल पीयू दे विच कोई भी क्वेश्चन नहीं ऐसा आएगा जिहड़ा तुसीं अटैम्प्ट ना कर पाओ। सो थोड़ा जिहा ध्यान नाल देखना जी वी की चल रिहा हैगा तुहाडे कोल। ठीक है जी, सो नीचे आपां एग्जाम्पल लई 1 ओवर एन स्केयर। ठीक है जी, एन की वैल्यू कितनी आई 2, पी सीरीज की सी 1 नालों वड्डी, देयरफॉर सीरीज कन्वर्जेंट, 1 ओवर एन ओदी पावर 1/2, पी कितना आ गया हाफ। ठीक है जी, पी आ गया हाफ, हाफ आ गया तो इहदा मतलब है तुहाडे कोल ए वाली वैल्यू होगी तुहाडी डाइवर्जेंट। ठीक है जी, उस तो बाद आपां अगे चले गए तुहाडे कोल, हुण आपां ने कंपैरिजन टेस्ट लगाउणा हैगा। सो ध्यान नाल देख लो जी, आ जिहड़ी चीज़ मैं हाईलाइट कीती हैगी है तुहाडे कोल, इस हाईलाइट दे विच सिर्फ एक चीज़ आपां ने दित्ती हैगी है भी जिहड़ा सीक्वेंस मेरे टेस्टां दा अगर तुसीं उसनूं फॉलो करदे हो तां ज़्यादा वधिया बैटर तरीके नाल तुहाडे कोल क्वेश्चन कर सकदे हो। सो पहला जिहड़ा है मेरे सीक्वेंस, पहला टेस्ट आंदा है वह हैगा कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट की है, अगर समेशन ए एन ते समेशन बी एन टू पॉजिटिव टर्म सीरीज है। ठीक है जी, समेशन ए एन बी एन पॉजिटिव टर्म सीरीज है और समेशन ए एन डिवाइड बाय बी एन। ठीक है जी, ये तुहाडी जिहड़ी लिमिट है, ठीक है, इत्थे तुहाडे कोल इस लिमिट दे विच मैनूं लिखना पएगा, एक करैक्शन करनी पएगी, लिमिट एन अप्रोचिस टू इनफिनिटी। सो एन अप्रोचिस टू इनफिनिटी अगर तुहाडे कोल जिहड़ी है ए एन ओवर बी एन इज इक्वल टू एल, नॉन जीरो फाइनाइट आ जाती है। नॉन जीरो फाइनाइट का मतलब है कि जीरो की पॉसिबिलिटी छड़ दो, इनफिनिटी की पॉसिबिलिटी छड़ दो, तो समेशन ए एन ते समेशन बी एन बिहेव अलाइक कर दिया ने, इक्को जिहा बिहेव कर दिया ने। ठीक है जी, किस तरह, हुण आपां अगले पहलां दे दो पॉसिबिलिटीज़ होर देख लीए। उस तो बाद जिहड़ा दूजा पार्ट है इस कंपैरिजन टेस्ट दा तुहाडे कोल, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਲਿਮਿਟ ਐਨ ਅਪਰੋਚਿਸ ਟੂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਏ ਐਨ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਬੀ ਐਨ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਜੀ, ਇਫ
ठीक है जी। तो उस केस विच की है, अगर बी एन कन्वर्ज करेगी तो ए एन कन्वर्ज करेगी, ठीक है जी। और तीसरे विच की है, अगर ए एन बी एन की रेशो इनफिनिटी आ जाए, बी एन डाइवर्ज करेगी तो समेशन ए एन डाइवर्ज करेगी। हुण जे तुसीं ध्यान नाल देखो, सारी गेम बी एन दी नेचर ते डिपेंड करती है। पहले केस क्या, नॉन जीरो फाइनाइट आवे, ठीक है जी। नॉन जीरो फाइनाइट आवे तो बिहेव लाइक का मतलब जे कन्वर्ज है तो कन्वर्ज, डाइवर्ज तो डाइवर्ज। दूजे केस क्या, जे जीरो आ गई, रेशो जीरो आ गई तो बी कन्वर्ज है तो ए एन कन्वर्ज करेगी, ठीक है जी। उस तो बाद जे इनफिनिटी आ गई से बी एन डाइवर्ज कर जाता है तो समेशन ए एन भी डाइवर्ज करेगी, ठीक है जी। और इस लॉजिक नो अपन ने यूज करना। हुन सवाल की हुंदा है, सवाल ए हुंदा है कि ए एन इज गिवन इन द क्वेश्चन, ए एन क्वेश्चन च गिवन हुंदा है, बट तो बी एन सिलेक्ट करना पैंदा है। सो बी एन सिलेक्ट करने लिए की लॉजिक लगाना है, हाँ जी जरा ध्यान ना सुनना। बी एन सिलेक्ट करने लिए तो को है, ठीक है, हाउ, ठीक है, हाउ दिस लॉजिक वर्क टू सिलेक्ट बी एन, ठीक है जी। तो बी एन की वैल्यू आप वन ओवर एन रेज टू द पावर पी ले लेनी है, ठीक है जी। और पी की जी वैल्यू लेनी है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर ले लेनी है, ठीक है जी। नीचे एक रिमेंबर करने लिए क्या होया, ये वो क्वेश्चन जिन्हों में फैक्टोरियल आ जाए, एन फैक्टोरियल या एन रेज टू द पावर एन आ जाए, उन्होंने क्वेश्चनों में ये नहीं लगाना है। उतने डीएल नंबर टू टेस्ट या बाकी अपने को रूट टेस्ट बहुत है, आप उन्होंने यूज करा, ठीक है जी। हूँ मेन चीज की आ गई बी एन। हूँ एक क्वेश्चन है, क्या बी एन हमेशा इस तरह ही सिलेक्ट होंगे है? तो आंसर है नहीं जी, बी एन तुम अपनी मर्जी ना सिलेक्ट कर सकते हो, किसी तरह भी सिलेक्ट कर सकते हो, जिस तरह तुहाडे टीचर ने पढ़ाया तुसीं उस तरह सिलेक्ट कर सकते हो। बट याद की रखना है, याद ये रखना हैगा तुहाडे कोल कि जे तुहाडा बी एन सिलेक्ट है तो तुहानूं उहदी नेचर पता होनी चाहिए है, क्योंकि कंपैरिजन टेस्ट विच जो बी एन की नेचर होंगी है उही नेचर ए एन की है। तुसीं बी एन सिलेक्ट करके बह जाओ, नेचर तुहानूं उहदी पता ना होवे फिर कोई काम नहीं बनना। इस करके जिहड़ा आह वाला लॉजिक है आह बेस्ट वे है हैंडल दी, ठीक है। जे किसी होर तरीके ने किसी होर टीचर ने कराया दैन ओके है, तुहाडे कोल हर टीचर अपने हिसाब नाल वधिया ही कराते हैं। हुण आपां एग्जाम्पल लै लीजिए, तां एग्जाम्पल जिहड़ी लई समेशन ते जिहड़ा हैगा वन ओवर एन इंटू एन प्लस वन। हुण इन जे ध्यान नाल देखिए, आपां फस्ट लैक्चर दे विच जिहड़ी एग्जाम्पल लई सी आई सी, उत्थे पार्शल फ्रैक्शन नाल टैलीस्कोपिक सीरीज बनाई सी, अज कुछ नहीं कीता, अज आपां देख लिया। और नीचे देखो मल्टीप्लाई करके डिग्री किन्नी आउंदी है, दो, ठीक है जी, उपर है नहीं। सो पी दी वैल्यू सिलेक्ट कीती वन ओवर एन स्केयर, किवें, पिछे तुहानूं पढ़ाया सी डिनोमीनेटर ते न्यूमरेटर ते डिग्री दा फर्क, इत्थे किन्नी डिग्री, दो, उपर डिग्री कोई नहीं, सो वैल्यू किन्नी आ गई, दो। सो ये दो वैल्यू आ गई, ठीक है जी। तो डिग्री मैं नीचे लिख के भी दस्या हुआ, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर माइनस डिग्री ऑफ न्यूमरेटर। सो जो ये चीज़ आ गई, यदा मतलब सिलेक्ट हो गई। हूँ कंपैरिजन टेस्ट लाना है, तो कंपैरिजन टेस्ट लगाने लिए अपन ने की किया है, तो कोल अपन ए एन रेशो बी एन ले लिया जी, ठीक है जी, ठीक है। बेस्ट टेस्ट टू सॉल्व मैनी प्रॉब्लम्स है जी तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो आपां ने क्या किया, दोनों रेशो ले ली, तो मेरा ख्याल है इनफिनिटी बंदे नूं हैंडल करनी आती है। आंसर वन आ गया, वन की आया, नॉन जीरो फाइनाइट। नॉन जीरो फाइनाइट दे कंपैरिजन टेस्ट की कहता है, समेशन ए एन ते समेशन बी एन बिहेव अलाइक, समेशन ए एन ते समेशन बी एन बिहेव अलाइक, ठीक है जी। सो जे बिहेव अलाइक ने तो फिर बी एन की नेचर देखेंगे, जे बी एन की नेचर देखेंगे तो समेशन एक बटा एन स्केयर, तो बी एन की नेचर कन्वर्जेंट है, यदा मतलब ए एन भी कन्वर्जेंट होएगा। इनू असी कहने लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, और बहुत सौखा टेस्ट है। अगर तुम ये सत्त मेरे लैक्चर्स की सीरीज देख लेने हो तो कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं होएगा जिहड़ा थोनू अटैम्प्ट नहीं करना आएगा। और पंजाब यूनिवर्सिटी ये सीरीज एक सैक्शन है जी, ठीक है जी। एक सैक्शन का मतलब है तुहाडे कोल थोनू ढाई तीन क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाने, इन टोटल चार आते हैं, ठीक है जी, दे पिछले सैक्शन के तीन क्वेश्चन तो ला के चलो, आराम नाल अटैम्प्ट हो जाने। सो ध्यान नाल देखना, हुण आपां अगे चले गए तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां नूं समझ आ गया, ठीक है। सो हुण आपां ये टेस्ट कदों लगाने, हाँ ठीक है, आपां तुहानूं लिखता, देर इज़ नो परफेक्ट मैथड टू सिलेक्ट बी एन, यू कैन सिलेक्ट वैल्यू ऑफ बी एन, ठीक है, हूज कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट नेचर मस्ट बी नोन। सो बी एन तुसीं वो सिलेक्ट करना जिहदी तुहानूं नेचर पता होवे, और जिन्हें रैशनल फंक्शन होंगे ने ना वो तुसीं बड़े आराम नाल सिलेक्ट करके जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आराम नाल कर सकते हो तुहाडे कोल। हूँ जिवें समेशन है, समेशन एन प्लस टू, नीचे एन स्केयर प्लस सैवन है, तो तुम बी एन सिलेक्ट की करना है, देख लो उपर डिग्री एक है नीचे दो है, दो माइनस एक एक, बी एन की वैल्यू कितनी आ गई, दो माइनस एक, माइनस थोड़ा जहा छोटा लगता है कई बार समझ नहीं आता, दो माइनस एक,
ठीक है जी। सो 2 माइनस 1 आ गया तुहाडे कोल, इत्थे तुहाडे कोल जिहड़ा सीगा 2 हैगा। सो 1/n आ गया जी। सो ए एन डिवाइडेड बाय बी एन, एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी। ठीक है जी। सो समेशन लिया बड़े आराम नाल लिया जाना है, तो आंसर थोड़ा जिहड़ा हैगा वो 1 आ गया, क्योंकि आ जिहड़ा एन है जम करके उत्ते गया, उत्ते भी डिग्री 2 है, इत्थे भी डिग्री 2 है, तो श्योरली हाईएस्ट पावर करके जिहड़ा हाईएस्ट कोफिशिएंट 1 है, तो 1 आ जाना है। नॉन जीरो फाइनाइट, देयरफॉर बिहेव अलाइक। जे बिहेव अलाइक होगा तो समझ लो तो जोड़ा है तो क्वेश्चन हो गया। हूँ बाय कंपैरिजन टेस्ट बी एन की नेचर पता है जी, बी एन डाइवर्जेंट है। जे डाइवर्जेंट है तो यदा मतलब पी सीरीज टेस्ट की करूँगा कि थोड़ी जी हैगी है समेशन ए एन वी डाइवर्ज ही करेगी। सो आगे आगे जी आप सम मोर एग्जाम्पल्स। बॉटम पर तुम देखो एन स्केयर प्लस 1 रूट चाहे माइनस 1 है, और जो थोड़ू रूट में कुछ भी आ जाता है तो थोड़ा ये पढ़ाया गया भाई रैशनलाइज कर लो, हौसला नहीं छड़ना, सो रैशनलाइज कर लेना है। सो रैशनलाइज आप जा रहे हैं जी थोड़े को, ठीक है। सो मेरा ख्याल है कोई दिक्कत नहीं कि तुम इनू देख के साइन चेंज किया, साइन चेंज कर लिया, दोनों आपस गुणा की, ए स्केयर माइनस बी स्केयर टर्म कटी गई। हूँ जे की डिग्री देखो 1 है, रूट चो स्केयर निकलू तो मैं 1 हो, सो यदि डिग्री 1 है, सो ऊपर है नहीं, सो बी एन की हो गया 1/n सिलेक्ट हो गया जी सिलेक्ट। अब तुसी रेशो ले लेनी, रेशो लगी ये जंप करके उत्ते आ गया, ठीक है। सिंपलीफाई किया 1/2 आ गया, एनी रेशो हर बी एस सी वाले बच्चे आती होंगी है। 1/2 आ गया तो मतलब हैगा है कि बिहेव अलाइक, जो बिहेव अलाइक हो गया तो थोड़ा क्वेश्चन हो गया थोड़े को, ठीक है जी। हूँ आप अगे आए, ठीक है अगे आए 1/1 × 3, 2/5। हूँ आपने पिछली बार बाय पार्शियल फ्रैक्शन किया, पहली एक्सरसाइज किसी भी बुक की देखोगे। हूँ जिन्होंने ए एन नहीं सिलेक्ट करना आता लॉजिक देखो, 1 तो बाद 5 है, 5 तो बाद 9 है, तो 1, 5, 9 यदा मतलब ए पी सीरीज सिलेक्ट होगी जी। तो जे ए पी सीरीज सिलेक्ट होगी तो फार्मूला की होगा जी, मैं सिलेक्ट करा ए इज इक्वल टू 1, डी इज इक्वल टू कितना हो गया जी 4। सो जे मैं टी एन लवा, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 × डी, सो ए आया 1 प्लस एन माइनस 1 × 4, सो 4, 4n-4 प्लस 1 3 आ गया। सो आराम नाल सिलेक्ट करनी आ गई जी। उस तो बाद 3, 7, 11 इन्ना भी सिलेक्ट हो जानी है, उपर डिग्री 1 नीचे डिग्री 2, डिफरेंस कितना 1 का 1/n, 1/n जो है थोड़े को आ गया रेशो ले, ते आंसर आ गया थोड़े को नॉन जीरो फाइनाइट आ गया। यदा मतलब समेशन ए एन बी एन बिहेव लाइक, सो समेशन ए एन बी बी एन जो है बिहेव लाइक करनगियाँ, तो थोड़ा गल समझ आ गई थोड़े को, ठीक है जी। सो आगे चले गए आप, ठीक है। सो आगे चले गए, ए वाली चीज जी हैगी है बी एन की वैल्यू 1/n है तो डाइवर्जेंट आ गया। सो आगे देखो एक क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन च आप ए एन देखिया, हूँ इस कंपैरिजन की लड़ ही नहीं पैनी क्योंकि ए एन की शक्ल ही पी वर्गी आ गई 1/n^p। यह मतलब इतने पी सीरीज टेस्ट सीधा ही लगता है n^(99/100), यद मतलब 1 तो छोटा है, अगर 1 तो छोटा है तो डाइवर्ज करता है, तो सानू गल समझ आ गई थोड़े पास, ठीक है जी। हूँ अगे देखिए थोड़े को, अगे थोड़ा जहा ध्यान नाल आपां सिलेक्ट करना है क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है sin(1/n) आ गया, तो जो sin(1/n) आ गया तो यदा मतलब है तो सब तो पहला सीरीज पता होवे साइन की एक्सपेंशन की होंगी है। सो साइन की एक्सपेंशन असी लिख ली जी, ठीक है जी। सो जिथे थोड़ा ए एन हैगा है साइन ए एन, तो इतने एक्सपेंशन लिख ली, एक्सपेंशन बड़े आराम ना लिखी गई, एक्सपेंशन चो 1/n बाहर निकल गया, निकल गया। सो इस तरह के केसिस बीच ना बी एन ना सिलेक्ट कर लीजिए है, क्यों क्योंकि ना कट्टिया जाना बाकी चीज सैट हो जानी है। सो बी एन की वैल्यू आ सिलेक्ट की थी, आप रेशो ले, रेशो ले इतने 1 कॉन्सटेंट आ गया से, उदो बाद सारिया 1/n करके नहीं ना एन अप्रोच इनफिनिटी तो 0 हो जानी है, आ घट गई सी इन्हें रोला से उरे कॉन्सटेंट से आंसर आ गया 1, बिहेव लाइक करके आंसर आना सीगा। सो बिहेव लाइक करके आंसर आ गया, तो अगले स्टेप दे विच आपा कह लिया समेशन बी एन 1/n। सो यदा मतलब पी सीरीज टेस्ट साढ़े को बहुत वधिया टेस्ट है, ठीक है जी। सो पिछला लॉजिक नहीं लाया इस विच सिलेक्ट करन लई आपने, जेड़ा हैगा पिछले लॉजिक सीगा कि डिग्री कंपैरिजन कर लो, अरे तो इनफाइनाइट सीरीज है वधी जानी है वधी जानी है। सो इस विच सिर्फ ये देख लिया कि कॉमन, सो जिन्हें भी एक्सपेंशन वाले क्वेश्चन होंगे तुम कॉमन निकाल लो, कॉमन इस तरह निकाल लो कि एक टर्म ब्रैकेट ना इस तरह की जी आप पिछले वाले च लै रहे हैं, कॉमन इस तरह निकाल लो कि मैं आह कॉमन निकल गया थोड़ा, ठीक है जी। तो आह कॉमन निकल गई तो इतने एक कॉन्सटेंट बच जाए बस, नीचे इनू कटदा हो जाए तो क्वेश्चन हो जाना। मैं स्टार्टिंग भी ये चीज़ कही थी कि कोई परफेक्ट मैथड नहीं है बी एन का, बट जो इदा लगाओगे तो एवेने भी क्वेश्चन थोड़ा चला जाएगा, ठीक है जी। सो अगे आप एक क्वेश्चन होर लै लिए जी एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल जी हैगी है तो इस विच एक वेरीएबिलिटी शो हो रही है,
अगर मैं देखा 2 रेस टू द पावर p है, नीचे 1 d³ है, फिर 3 d³ फिर वो, ठीक है जी। सो 2 3 4 ये मतलब n टर्म n+1 आऊगी, 1 2 3 n था होगी, ठीक है। p दी वैल्यू n की पावर p आनी है मैक्सिमम, वहां इन्होंने दोनों का डिफरेंस सेलेक्ट कर लिया, कर लिया जी डिफरेंस सेलेक्ट। उस तो बाद आप रेशियो ली, तो डिफरेंस वाला मेथड तो बहुत वधिया चलता है। जो आप रेशियो ली तो आंसर आ गया 1, आंसर आ गया 1, तो हम बिहेव लाइक लगू, हम बिहेव लाइक दे कंस्ट्रेंट है, क्योंकि तो अनुगढ़ दिख रही है भी एक तो वड्डी है कि छोटी है, यदा मतलब हम दूसरी कंस्ट्रेंट स्ट्रेट नॉल क्वेश्चन सॉल्व करोगे। समेशन बी एन एन रेस्ट टू द पावर के ओ माइनस बी, ठीक है, ए कन्वर्जेंट है ता कदों, जदों ये चीज पॉजिटिव, एक तो बड़ी, डाइवर्जेंट है जदों एक तो छोटी या बराबर दी पॉसिबिलिटी होगी। सो जेड़ा है गया तो डिकोल आपा ने लिख लिया तो डिकोल ते, फिर समेशन कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट दी आपा ने कंडीशन लगा देती, ठीक है जी। सो ये चीज आपा नु पता लग गई तो डिकोल जेड़ा है गया ते ए अपना जेड़ा है गया हिसाब किताब आपा नु पता लग गया। तो हुण जे आपा अगे देखिए तो डिकोल, ठीक है जी। सो जेड़ा है गया ए, ठीक है, अगली वाली चीज जेड़ी है, अगली प्रॉब्लम तुसी ध्यान नाल देखो तुहाडे कोल, ठीक है, जेड़ा है उस विच 1/n tan 1/n आ गया तुहाडे कोल। अगर tan 1/n आ गया तो तुहानू पता लग गया भी tan वाले केस दे विच भी जेड़ा हैगा ए वैल्यू तो फिल जेड़ी हैगी है 1/n हैगी है, तो समेशन दी तो करनी पैनी है, सॉरी सीरीज है उहदी, सीरीज दी एक्सपेंशन, तो सीरीज दी एक्सपेंशन फिर इहदी आपां ने कर देनी है। जदों आपां ने पर ये क्वेश्चन बिना सीरीज एक्सपेंशन दे भी हो जाना है तुहाडे को, कारण जेड़ा हैगा है क्योंकि टैन जेड़ा 1/n है, अगर मैं इहदा फार्मूला लावां आ वाला टैन थीटे वाला तो आराम नाल हो जाता है। हुण बंदा सोचता भी टैन थीटे वाला फार्मूला तुसीं लाया होया जेड़ा, बट थीटे वाला तो 0 ते हुंदा, ठीक है 0 ते हुंदा, बट जे 1/n आ, जे n अप्रोचेस टू इनफिनिटी थीटे वाला ही फार्मूला हुंदा तुहाडे को। मीन्स अगर मैं 1/n नूं सेव y पुट कर देवां तो वैन एन अप्रोचेस टू इनफिनिटी वाई अप्रोचेस टू 0 आ जाए, तो मतलब वो फार्मूला भी लग सकता तो देखो टेन थीटे वाला। सो अपन ने बी एन कितना सिलेक्ट किया, बी एन इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिलेक्ट किया, सो बी एन की वैल्यू सिलेक्ट की थी, तो यदि वैल्यू नॉन जीरो फाइनाइट आ गई। अगर इस तरह की वैल्यू आ जाती है तो तुम हैंडल कर सकते हो, तो कुल जो है आराम ना ये क्वेश्चन हो जाता है। सिमिलरली इनवर्स है, इनवर्स में भी फार्मूला है साढ़े को, इनवर्स में अपने फार्मूला लगाया तो ए वाली वैल्यू जी है तो एडजस्ट होगी तुहाडे कोल। उस तो बाद जो है सेम प्रूफ है जी यदा इनवर्स वाले का, बट तुम्हें थोड़ा जहा ख्याल होना चाहिए, ख्याल की होना चाहिए कि मैं फार्मूला बनाने लिए की एडजस्टमेंट करनी है। जिवें आ लिया 1/n साइन स्केयर है, हूँ तुम्हें पता है साइन थीटा बाय थीटा होता है, देख लो ख्याल रखियो ये 1/n है तो इनफिनिटी पर चलता है, जो 1/n ना हो फिर इन इनफिनिटी पर चलना नहीं है। सो बी एन की वैल्यू की सिलेक्ट की 1/1, हूँ बंदा कहता है ये क्यों सिलेक्ट की है? देखो जी स्केयर तो इन एडजस्ट होना, एक वैल्यू तेरे को कटूगी तो ही एडजस्ट होगा, सो एक वैल्यू कट गई, बाकी जो स्केयर है थोड़ा एडजस्ट हो गया, एडजस्ट होकर नॉन जीरो फाइनाइट जोड़ा है तो थोड़ा बिहेव लाइक की कंडीशन मिल जानी है। बिहेव लाइक से जो 1/bn b³ है तो जो कन्वर्जेंट होगा तो क्वेश्चन कन्वर्जेंट हो जाएगा, ठीक है जी। सो इन्ने क्वेश्चंस नाल तुसी पी सीरीज के कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस कर लोगे, ठीक है, एक्सपेंशंस याद कर लेना, साइन कॉस इन दी, बाकी कोई लंबा चौड़ा चक्कर है नहीं का थोड़े को, तो जे बाई चांस इस तरह कोई क्वेश्चन रुक जाता है तो अगे फिर टेस्ट है, ठीक है जी। थैंक यू।